हाय, आई एम किरण शापुरी एंड ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लिब्रास, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 of Swords एंड लव बिगिंस। और देखिए, 10 of Swords का कार्ड एंडिंग्स की बात करता है और लव बिगिंस का कार्ड, जैसे कि नाम कहता है, किसी चीज की शुरुआत होने की या फिर करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए, 10 of Swords का कार्ड कहीं एंडिंग्स के साथ एक डिसकंफर्ट होने की भी बात करता है, किसी लेवल पे किसी तरीके की परेशानी भी महसूस करने की बात करता है। और ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए ये डिस्कम्फर्ट, ये परेशानी डिफर कर सकती है। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग, देखिए 10 of Swords का कार्ड कहीं चीज़ों को अपने माइंड में बहुत एग्जाजरेट भी करने की बात करता है, यानी कि जितना इशू है, जितना मसला है, उससे ज़्यादा मन में उसको महसूस करने की बात करता है। और अगर ऐसा आप भी लिब्राज अपने आप को करते हुए पाएं तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा कहा है, एक्सटर्नली हमारी लाइफ में जो भी हो रहा हो, उस चीज़ को इंटरनली हम खुद को क्या कहते हैं, वही डिटर्मिन करता है हम कितने परेशान होंगे, हम कितने खुश रहेंगे। तो देखिए, अगेन इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें कि जो भी एक्सटर्नली हो रहा है उसको इंटरनली आप बड़ा बना रहे हैं या छोटा बना रहे हैं। एंड देखिए, लव बिगिंस अगेन, जैसे कि नाम कहता है, एक शुरुआत होने की बात करता है। तो किसी चीज को लेकर अगेन आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, और ये नई बिगनिंग कहीं एक हैप्पीनेस, एक जॉय ज्यादा लाती हुई दिख रही है। यानी कि देखिए, हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीजों से रिलेटेड या फिर मनी, पैसे से रिलेटेड इतना गेन, इतना फायदा आपको ना हो जितना कि आप एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन, एक इमोशनल हैप्पीनेस महसूस कर रहे हैं। और देखिए, नई बिगनिंग भी सबके लिए डिफर कर सकती है, अगेन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए नई जॉब हो सकती है, कुछ के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ के लिए नई टीम हो सकती है, कुछ के लिए नए काम करने के तरीके हो सकते हैं। अगेन, किसी भी तरीके की नई बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 of Cups एंड मेमोरीज ऑफ लव। तो देखिए, ये दोनों ही एक ही कार्ड से, डिफरेंट डेक से, और दोनों ही कहीं पास्ट की बात करते हैं, मेमोरीज की बात करते हैं। और यहाँ पे भी देखिए, फिर से मैं कहूँगी, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम देखें तो या तो पास्ट के किसी रिलेशनशिप, पास्ट के किसी इंसान, पास्ट की किसी सिचुएशन, पास्ट के किसी इवेंट या किसी भी पास्ट की चीज़ पे आप बहुत फोकस कर रहे हैं, या पास से कोई चीज़ करंट आपकी लाइफ में आ रही है। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बहुत एक हैप्पीनेस जॉय लेकर आ रही है, और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको किसी लेवल पे उदास कर रही है, किसी लेवल पे परेशान कर रही है। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि पास्ट की कोई भी चीज़ अगर आपको ग्रो करने में हेल्प कर रही है, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस लाने में हेल्प कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये आपको उदास कर रही है तो इसको भी ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें, कैसे एक हैप्पीनेस, एक जॉय आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं, उस पर फोकस करें। और देखिए, दूसरी बात, मुझे ऐसे लगता है लिब्रास की पास्ट सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफ में एक लर्निंग के लिए होता है, एक लेसन के लिए होता है।
तो पास्ट की कोई भी चीज है उससे अगर कोई लर्निंग आपको मिल रही है तो वो भी आप जरूर लें। और देखिए फिर से मैं कहूँगी, यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड कहता है कि आप पुरानी किसी मेमोरी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर ज्यादा किसी चीज को याद कर रहे हैं। और देखिए दूसरी बात, यहाँ पे चार में से तीन कप्स के कार्ड्स हैं, तो इमोशनल होते हुए आप ज्यादा दिख रहे हैं या इमोशनली चीजों को डील करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। फैमिली, लव, प्यार, मोहब्बत, ये एक फोकस आपका इस वीक रह सकता है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए टीच का कार्ड है। और देखिए टीच कहीं सीखने सिखाने की बात करता है, तो ये कार्ड बहुत ही क्लियरली अगेन वही चीज बोलता है जो मैंने आपको बोली कि पुरानी कोई भी चीज आपकी लाइफ में है जिसने आपको कोई लर्निंग दी है, कोई लेसन दिया है, उसको आप जरूर लेके अपनी लाइफ में अप्लाई करें। और किसी भी लाइफ के एरिया में अगर आप चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं हैं या फिर आप बहुत ग्रेट नहीं महसूस कर रहे हैं तो किसी इंसान से आप गाइडेंस, एडवाइस, काउंसलिंग ज़रूर लें जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, या फिर अगर किसी भी इंसान को किसी भी तरीके की गाइडेंस, एडवाइस, काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो आप ज़रूर दें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो ऑरेंज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि कितना ये आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।